यही है वो होटल? यही। तुम्हें पूरा यकीन है कि इस होटल का मैनेजर हमारे चक्कर में आ जाएगा? मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता भाई, सब पता लगा लिया। इस होटल का मैनेजर एक नंबर का बेईमान, हेरा फेरी करने वाला लालची आदमी है। अरे वो तो ऐसे लपेटे में आएगा कि देखते जा। एक्सक्यूज मी जी। जी वो एक कमरा मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। कैसा रूम चाहिए, सिंगल या डबल? जी मैंने अर्ज किया सिंगल रूम चाहिए या सिंगल। सिंगल सिंगल सिंगल। नाम बोलिए जी। जी नाम? नाम क्यों पूछ रहे हैं आप? ये हमारा रजिस्टर, इसमें नाम तो लिखना ही पड़ेगा जनाब। वो विजय, विजय कुमार। मिस्टर विजय कुमार, दस्तखत कीजिए। जी ये आपका कमरा नंबर 102, इसकी चाबी बैग में ऊपर भिजवा दूंगा। जी नहीं, जी जी नहीं। वो आप खामखास अहमत कह रहे हैं, बेरा बैग ले जाएगा ऊपर? जी नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बैग खुद ले जाऊंगा। आपकी मर्जी साहब। ये कमरे का रास्ता किस तरफ से है? ये आप इधर से जाइए, फिर ये ऊपर जाइए सीढ़ियों पर, और कमरा नंबर 102 बाई तरफ है। शुक्रिया। जी कहिए। इस होटल के मैनेजर आप हैं? जी हाँ हूं तो, लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? बात यह साहब, इस शहर के मशहूर ज्वेलर्स जमुना दास के यहाँ एक आदमी काम करता था, वो उनके 2.5 लाख के हीरे लेकर भाग गया। 2.5 लाख के हीरे? जी हाँ, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो इसी शहर के किसी होटल में छिपा हुआ है। 2.5 लाख के हीरो समेत छुपा हुआ यहाँ पे? ये रही उसकी तस्वीर। ये आदमी इस होटल में कभी आया तो नहीं था? जी ये आदमी हमारे होटल में? जी नहीं बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये आदमी तो क्या इससे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। और इंस्पेक्टर साहब, 2.5 लाख रुपए के हीरे लेकर कोई इस मामूली होटल में आएगा? ये सोचने की बात है इंस्पेक्टर साहब, सोचिए आप। ठीक है, यही पूछना था। अच्छा अगर कहीं दिख गया तो हमें खबर भेज देना। अच्छा कहिए। अंदर आ सकता हूं मिस्टर विजय कुमार? अंदर क्यों क्यों क्यों, क्या बात है? आपको कोई ढूंढता हुआ यहां आया था। ढूंढता मुझे कौन? बात क्या है, क्या बात है? तुम कानून की नजरों में धूल झोंक सकते हो विजय कुमार, लेकिन मेरी नजरों में नहीं। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। पुलिस तुम्हें चारों तरफ तलाश कर रही है, मेरे एक इशारे पर तुम जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सकते हो। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो विजय, खैरियत इसी में है कि ये हीरे मेरे हवाले कर दो। हीरे? कौन 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 कौन? शट अप। कैसे हीरे? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैं उन हीरों की बात कर रहा हूं बेटे, जो तुमने जमुना दास ज्वेलर्स के यहां से चुराए हैं, और वो इस सूटकेस में मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप सब कुछ जान गए तो ठीक है। अब आए हो ना बेटा रास्ते पर। मगर अगर आप मेरा मेरा भी तो कुछ हिस्सा होना चाहिए ना। अगर आप ही सारे हीरे ले गए और मुझे को कुछ नहीं मिला तो मैं तो पुलिस के पास चला जाऊंगा, भले जेल चला जाऊं, मगर आपको आपका भी नाम ले दूंगा। सोच लीजिए। यार तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, उल्टा मुझे धमकियां देता है। देखो दोस्त, ये हीरे तो तुम मुझे दे दो, और मैं इस एरिया से पुलिस की आंखों से तुम्हें बचा के बाहर निकाल दूंगा। और तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो ये 10,000 तुम्हें देता हूं। 10,000?
ढाई लाख के हीरे 10,000 में। सुनो, मुझसे होशियारी तो ज्यादा करना नहीं, जो मैं कहता हूं करते हो या मैं पुलिस को फोन। ठहरिए, मुझे मंजूर है, मुझे पहले हीरे। हाँ। हीरे पूरे पूरे ढाई लाख के हैं। 10,000 है। अब मेरे यहां से निकल जाने का भी इंतजाम कर दीजिए। फिक्र मत करो। पुलिस की गाड़ी नीचे तुम दोनों का इंतजार करो। इंस्पेक्टर साहब, आप तो चले गए थे ना, लेकिन बहुत अच्छा वापस आ गए। पकड़ इसे, ये वही आदमी है जो वो हीरे, मेरा मतलब सर, ये हीरे चुरा के भागा था। लो भैया, अपने हीरे अपने पास रखो, तुमने चुराए हैं, खुद ही रखो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने बिल्कुल ठीक कही ना बात? चुप, मैंने सब सुन लिया। वो हीरे मेरे हवाले कर दो और 10,000 रुपए भी। मैनेजर साहब, चोरी करना जुर्म है, चोर की मदद करना जुर्म है, और चोरी का माल खरीदना भी जुर्म है। अब आप भी जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाइए। कम ऑन। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो। लेकिन हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। आप हमें छोड़ दीजिए, वो हीरे भी आप रख लीजिए, और ऊपर से अगर मुझ जैसे चोर को ये 10,000 दे सकते हैं, तो भगवान की दया से इतने बड़े पुलिस ऑफिसर को मेरा मतलब है कि हाँ, 10,000 का 15,000 ले लीजिए इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? अरे नहीं सर, ये रिश्वत कहाँ है, बच्चों की मिठाई के लिए है। जी हाँ, बच्चों की मिठाई, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन। तुम चुप रहो जी, तुम्हें क्या मालूम बड़े अफसरों से कैसे बातें की जाती हैं। सर ये 5,000 और ले लीजिए, 15,000 हो गए, और मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन आइंदा ऐसी खैर कानूनी हरकत मत करना, और तुम चलो। हाँ हाँ साहब, ले जाइए। एक तो चोरी करता है, ऊपर से शरीफ आदमियों को अपने साथ फंसवा देता है। Fantastic! What a beauty! क्या बात है? लाजवाब है। चलती क्या है? ऐसा लगता है जमीन बने हवा में तैर रही हो। नया मॉडल लगता है, कंडीशन भी A1 है। वाकई बहुत अच्छी कंडीशन है। वाह, रंग कैसा लगा तुम्हें? दिल चाहता है इस रंग में कभी भंग ना पड़े। बड़ी संभाल के चलाने वाली चीज है। बहुत संभाल के। ये बॉडी तो कमाल की है यार, शेप देखा इसका? वही तो देख रहा हूं बबुआ। एक बात है लेकिन, महंगी बड़ी होगी। अनमोल। मगर ये कि भाई कभी बिगड़ने वाली चीज नहीं है, और अगर मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए आराम हो जाए। इसमें क्या शक है, बहुत आराम हो जाए। जब एंटर हुई थी तो देखा था? हाँ, कोई फॉरेन कार में आई थी। हैं? फॉरेन कार में आई थी? हाँ। कौन आई थी भाई? जो कार में आई थी वो अमा कमाल करते हो यार। मैं इतनी देर से कार की बात कर रहा हूं और तुम ये बेकार की बातें कर रहे हो। ये बेकार की बात है? तुम्हारे दिल में सीना नहीं, पत्थर है, पत्थर। अबे दिल में सीना नहीं, सीने में दिल होता है। नहीं, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? मैं कौन सा ऑपरेशन करने वाला था? तुम तो हर बात का एक लीगल पॉइंट निकाल लेते। कुछ नहीं, मैंने पूरी रकम चाहिए आज। सेठ जी, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगी। देखो मैडम, मैं उधार देने का धंधा करता हूँ, मोहलत देने का नहीं। मोहलत चाहिए तो कोई दूसरा साहूकार ढूंढ लो, मैंने तो मारी रकम और 3% ब्याज दे दो। देखिए, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, मैं आपको जबान देती हूँ। मारे पास मारी जबान है और बहुत बढ़िया काम देती है। थारी एक्स्ट्रा जबान लेके क्या करूँगा, मैंने तो मारी रकम चाहिए, थारी जबान नहीं। अच्छा ठहरिए, कितना पैसा है आपका? ब्याज पकड़ के 30,000 होता है। 30,000? देखिए, वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, वो तो 30,000 से कहीं ज्यादा की ही है। मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, आप अपने 30,000 के बदले में मेरी गाड़ी ले लीजिए। ये
ये गाड़ी कम से कम 1,00,000 की होगी। नहीं नहीं नहीं, या तो खोटो धंधो है, थारी गाड़ी है तू ही बेच, मने तो मारी रकम दे दे। ठीक है मैं बेच दूंगी, लेकिन सेठ मोटर गाड़ी और सब्जी तरकारी में कुछ तो फर्क होता है, ये इन्हीं सड़क पर खड़े खड़े तो नहीं बेची जा सकती, इसे बेचने के लिए मुझे 2-4 दिन की मोहलत। नहीं 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 नहीं, मोहलत तो हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है, आज या तो मने हमारी रकम मिलेगी या तू जेल जाएगी। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है सेठ जी। बहुत अच्छे, ये तो वही बात हुई, वो क्या कह रहे हैं ना कि तू कौन कह मैं खा मखा। अरे जाओ भाई जाओ, धंधे की बात करने दो। हम भी धंधे की बात करने आए हैं सेठ जी, अगर आप इजाजत दें तो। जी आप लोग हैं कौन और चाहते क्या हैं? हमें आप अपना दोस्त अपना हमदर्द समझिए, क्या 2 मिनट के लिए हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं? बैठिए। जी शुक्रिया। हाँ तो सेठ जी, आपके कितने पैसे इनको वापस करने हैं? वाह राजा हरिश्चंद्र, ऐसे पूछ रहे हो जैसे मालूम पड़ते ही नोट टेबल पे रख दोगे। अरे वाह, नोट भी असली है। जी मैं तो आप लोगों को जानती नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरा नाम रवि है, ये विजय, हम दोनों भाई पास की टेबल पर बैठे थे और जिस तरह से ये सेठ जी आपको धमकियां दे रहे थे हमसे सुना नहीं गया। आप कर्ज उतारने के लिए ये कार बेचने को तैयार हैं, हम आपकी मदद करने के लिए कार खरीदने को तैयार हैं। आई सी। सिर्फ आपकी मदद के लिए, पर ना हमें इस कार की कोई जरूरत नहीं और ना ही हमें कोई शौक। वाह भाई वाह, पुष्पा जी कौन कहता है दुनिया में इंसानियत नहीं है? कितने है भाई? पूरे 30,000। पूरे 30? पूरे ही होंगे, अब तुम कहते हो तो गिन लेता हूँ। आप लोगों ने ये कार खरीद कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। देखिए अब शर्मिंदा कर रही हैं आप हमें, इसमें क्या बात है, आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। गाड़ी की चाबी ये लीजिए। कितना अजीब इत्तेफाक है कि आप लोगों से इस तरह मुलाकात हुई, और मुझे तो लगता है कि भगवान ने आप दोनों को मेरी मदद के लिए ही भेजा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद ही आ गए। और गाड़ी के कागजात? वो आप मेरे घर आके ले लीजिएगा। हाँ। ये रहा मेरा कार्ड। पुष्पा भार्गव जी मेरा नाम है। बहुत सुंदर नाम है। पूरे 30,000 बेकार गिनवाए, मैं तो पहले ही कह रहा था। आपके पैसे मिल गए? बिल्कुल मिल गए, आइंदा पैसे की जरूरत होवे तो सेठ जी मरा नहीं है, बस हुक्म करना। आप लोग भी मेरा कार्ड रखो। ठीक है अब आप जा सकते हैं। थैंक यू मिस्टर रवि। मैं जाने से पहले आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा कर दूं, लेकिन एक बात जरूर है, कार में बैठते ही आपको इतना अंदाजा हो जाएगा कि आपने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। मैं कल सुबह चाय पर आप दोनों का इंतजार करूंगी। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय बाय। लड़की बहुत स्मार्ट है। लड़की तो स्मार्ट है लेकिन गाड़ी भी बुरी नहीं है। क्या पिकअप है गाड़ी का, जरा सा एक्सेलेटर दबाया हवा से बातें करने लग जाती है। हवा से बातें करने लगती? क्या बातें करने लगती है, मैंने तो नहीं सुनी। हाँ यार ऐसा कहते हैं, ये मुहावरा है। और ये सायरन है, ये कर रही है पुलिस हवा से बातें। पता नहीं आज कौन बेचारा फंस रहा है। चलो बाहर आओ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब हम तो बड़े आराम से चला रहे थे। मैंने कहा बाहर निकलो। मगर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? बात यह है कि ये गाड़ी चुराने के इल्जाम में तुम दोनों गिरफ्तार किए जा रहे हो, समझे? अरे मगर ये गाड़ी पुष्पा भार्गव ने खुद हमें दी है। बकवास बंद करो, ये गाड़ी किसी पुष्पा भार्गव की नहीं है, इसके मालिक का नाम है मानिक लाल मेहता और यह आज सुबह ही चोरी हुई है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब हमने तो ये अभी 30,000 रुपए नकद देके खरीदी।
अच्छा खरीदी है, थाने चलो, इसकी रसीद हम तुम्हें देंगे। सुनो रवि, बोलो विजय, कुछ समझे? लड़की हमें चूना लगा गई। समझा। गाड़ी उसकी नहीं थी। समझा। पुष्पा भार्गव ये नाम भी उसका नहीं हो सकता। समझा। इस वक्त वो आदमी और वो लड़की कहीं बैठे 15-15 हजार बांट रहे होंगे। समझा। और हम दोनों 30 हजार गंवा के यहां हवालात में बैठे हैं। समझा। क्या समझे? ये कि यहां से निकलकर अब उनसे समझना है। यहां से कभी ना कभी तो छूटेंगे ही, लेकिन उन्हें ढूंढेंगे कैसे? एक ही आदमी है जो उनका पता लगा सकता है, अब्दुल। यार अब्दुल, अपने को एक छोकरी और उसके साथ एक अधेड़ उम्र के आदमी की तलाश है। वो अपने को शेंडी लगा गया यार। नाम वाम तो सही पता नहीं, लेकिन उस आदमी की ठुड्डी में ऐसा गड्ढा सा था, और वो लड़की जो थी ना, हाँ, बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल, गोरे गोरे गाल, और बात तो ऐसे करती थी। अम्मा छोड़ यार, इस वक्त तुझे लड़की की ब्यूटी याद आ रही, यहाँ 30 हजार का फटका लग गया। 30 हजार का? हाँ, वो छोकरी और उसका साथी सारा नाटक जमा कर 30 हजार में चोरी की गाड़ी थमा गया अपने को। ये लफड़ा बांद्रा खाड़ के आसपास तो नहीं हुआ था? हाँ, वही तो हुआ था। क्या तुम जानते हो उन दोनों को? ओ भाई, अरे बंद करिए बैंड बाजा, बताओ लोग कहाँ मिलेंगे? उनको तो ऐसा मजा चखाना है कि अरे बड़ा भाग आ रहा है यार। ठीक है मैं शाम को चल। मशीन देख रहा है बड़ू, जानते हो क्या है? हाँ, पब्लिक टेलीफोन है। हाँ, उसमें नंबर लगा लो, लेकिन जब तक उस मशीन में पैसा नहीं डालो ना, आवाज उसी तरफ नहीं जाएगी। तुम लोग क्या पूछ रहे हो? बाप अपने को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये ले। अरे आप क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं जेब में ये अकेला बेचारा किससे बात करेगा। ले। लड़की का नाम है रेनू, वो आदमी उसके रिश्ते का चाचा है, अंकल। दोनों मिलकर सलाह बांधर के मैसेज पाजबाजी करते रहते हैं। रेनू उसका अंकल? हाँ। ये दोनों मिलेंगे कहां? अरे भतीजी, तुम ये जो दिन भर जुगाली करती हो ये तो ठीक है, लेकिन ये जो तोप चलाती हो ना, इससे किसी दिन मेरा हार्ट फेल हो ही जाएगा। नहीं 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 नहीं, बेकार बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई नई स्कीम सोचो अंकल। ये पेपर मैं मौसम का हाल मालूम करने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, एक आइडिया निकाल रहा हूँ। आइडिया, जरा एक मिनट। अंकल भाग। क्या भाग के? अरे बापरी, वो रहे। नहीं, तू उधर से। खबरदार भागने की कोशिश की तो? अरे भागने का दम किसमें बचा है भाई, जो कोशिश करेगा। पैसा निकाल। पैसे? 30 हजार, पूरे 30 हजार। 30 हजार? कैसे 30 हजार? अभी भी होशियारी है? अबे एक हाथ दूंगा सभी याद आ जाएगा, समझे? देखो टच करने की बात नहीं है, हाँ गाली देना है तो दे सकते हो। अबे पैसा निकाल। चल देखो मैं कहता हूँ छोड़ दो कॉलर, एक बार मेरा सर फिर गया तो बहुत भारी पड़ जाएगा। पैसा अभी मिल जाएगा। निकल निकल। अंकल ये पार्टी जरा टेढ़ी लगती है,
काहे को झंझट में पड़ना, दे दो ना पैसे। तुम ठीक कहती हो भतीजी, मुझे भी ऐसा लगता है कि इनको हमसे ज्यादा पैसे की जरूरत है। कोई बात नहीं, दे देते। ये लो पूरे 25,000। 25? हाँ। बाकी ये 5,000 वो हम खा गए। ए, इधर आ। देखो देखो देखो, तुम फिर टच कर रहा है, दूर से बात करो। जोक विथ माउथ नॉट विथ हैंड। ये दूंगा अभी खींच का। देखो हीरो, अभी अपने पास 5,000 है नहीं, जिस दिन होंगे उस दिन दे देंगे। ये शराफत का राग किसी और को सुनाना, हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं मिस रेनू। जानते तो हम भी आपको बहुत अच्छी तरह से हैं मिस्टर रवि। हमें आप दोनों के सारे चक्कर पता है। यही तो मैं भी बोल रहा था, आपस में झगड़ा करने से क्या फायदा, आखिर को हम पंछी एक डाल के आपस में मिलजुल कर दाना दुनका चुन लिया करें। एक आइडिया है अपने पास बहुत तगड़ा, अगर शूट करता हो तो। नहीं नहीं नहीं, नहीं अरे रखो नहीं, अपना आइडिया अपने पास, हमें हमारे 5,000 रुपए दे दो। हाँ। एक मिनट रवि, एक मिनट, जो लोग हमें दांव दे जाए उनमें कुछ तो दम होगा। नहीं नहीं, नहीं। सुन लेते हैं आइडिया यार। छोड़ यार। अरे मान जा यार, क्यों नखरा करता है। ये देखो आज के अखबार में खबर है कि अगले इतवार को होटल शीश महल में महारानी कमलपुर जोरदार पार्टी दे रही है, और सुना है कि उनके गले में जो हार है उसमें लाखों रुपए के हीरे हैं। अगर हम चारों मिल जाए तो 50-50 मंजूर है। लेकिन हमारे 5,000 अलग से। लीजिए, ये अभी तक वहीं अटके हुए हैं। अच्छा बाबा, तुम्हारे 5,000 अलग से, डन। डन।